नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय देहरादून में अगर आप अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं दाखिला, तो उसके लिए फॉर्म निकल गए हैं। जी हाँ, आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप अपने बच्चों के फॉर्म राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय देहरादून के लिए भरवा सकते हैं। मैं आपको अभी दिल्ली से संबंधित जानकारी दे रही हूँ। दिल्ली से संबंधित जानकारी यानी कि वह लोग जो दिल्ली में रहते हैं, ताकि वह जब फॉर्म भरेंगे तो उन्हें दिल्ली में स्थित ही केंद्र मिलेगा जहाँ पर बच्चा अपना परीक्षा दे पाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएगा। अगर भारत के आप किसी और राज्य के हैं तो आप अपने राज्य के, क्योंकि आप उस राज्य में हैं, तो आप उस राज्य के परीक्षा केंद्र में अपने बच्चे का दाखिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं जल्दी से महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देती हूँ कि जुलाई 2024 के सत्र में प्रवेश के लिए, यानी कि अगले साल जो आने वाला जुलाई है, उसमें दाखिले के लिए छात्र एवं छात्राएं, मतलब कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हैं, जिनके अभिभावक सामान्य रूप से दिल्ली में रहते हैं, वे आवेदन के लिए पात्र हैं। और 2 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी किसी एक केंद्र में जो कि दिल्ली में ही स्थित होगा। तो बच्चों की क्या उम्र होनी चाहिए राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय में दाखिले के लिए? तो ऐसे में बच्चे की उम्र 11.5 या 12.5 साल होनी चाहिए, मतलब कि 13 वर्ष से कम होना चाहिए। और अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊँ तो आप इस प्रकार से हिसाब लगा लीजिए कि 2 जुलाई 2011 के बाद का बच्चा हो, 2 जुलाई 2011 से बाद का, और 1 जनवरी 2013 से पहले का, इसके बीच का बच्चा, यानी 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2013 के बीच में अगर बच्चे का जन्म है, तो बच्चा इस परीक्षा को देने के लिए, इन विद्यालय में दाखिला लेने के लिए वह पात्र है, यानी कि वह एलिजिबल है। तो ऐसे में अब शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ऐसे में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि वह 1 जुलाई 2014 को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से कक्षा 7वीं पास कर चुका हो या अध्ययनरत हो। तो आवेदन पत्र के लिए क्या करना होगा? तो आवेदन प्रपत्र जो उसमें भरे जाते हैं, जो उसका फॉर्म होता है, उसके भरने के लिए थोड़ी फ़ीस लगती है। तो ऐसे में अगर आप जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं, सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं, तो 600 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बच्चा है तो 555 रुपये। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा www.rimc.gov.in, और वहां जाकर आप फॉर्म को, फॉर्म के भरने के लिए आप पहले तो आप पेमेंट करेंगे, जो मैंने आपको बताया है 600 रुपये जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 555 रुपये। और उसके बाद आपको, आप पेमेंट करने के बाद आवेदन पत्र व विवरण पत्र का एवं पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, क्योंकि बच्चों का एंट्रेंस होगा, उसके लिए बच्चों को तैयारी करनी होगी, तो स्पीड पोस्ट से आपके घर आ जाएंगे, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं, और कहा गया है कि आवेदन पत्र और विवरण पत्र का, और वो जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक सेट, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये, SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 555 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप इसमें कमांडेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के नाम से भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून, मैंने जैसे आपको बताया है, और बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेल भवन देहरादून, बैंक कोड भी दिया हुआ है 01576, और इस प्रकार से भी आपके पास आप प्राप्त कर सकते हैं विवरण पत्र का, आवेदन पत्र और पुराने प्रश्नोत्तर। साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आवेदन पत्र को जमा कैसे करना है? तो आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में विवरण पत्रिका में उल्लिखित संकलन के साथ परीक्षा प्रकोष्ठ, यानी कि कौन सा है, कक्ष संख्या 15 अक्टूबर तक पहुँच जाना चाहिए, कि अगर आप भिजवाएंगे तो इस डेट से पहले पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ भी यह बताया गया है कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्राप्त आवेदन पत्र मान्य होंगे, जो वहाँ से प्राप्त होंगे, बाजार में मिलने वाले या फोटो कॉपी किए गए या बिना होलोग्राम के जो आवेदन प्रपत्र होंगे, वे मान्यता प्राप्त नहीं होंगे। और वह बच्चे, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस स्कूल में, विद्यालय में दाखिला चाहते हैं, वह सैन्य कर्मचारियों, पैरा सैन्य कर्मियों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के उम्मीदवार जिनके राज्य के मूल निवासी हैं, या जिस राज्य में उनके माता पिता अभिभावक सेवातरंत हैं, में आवेदन जमा कर सकते हैं। उनके अधिवास राज्य का निर्धारण उनके मूल अधिवास राज्य के अनुसार होगा, एवं उनकी उम्मीदवारी भी उनके मूल अधिवास राज्य के अनुरूप होगी। जी हाँ,
आवेदन पत्र उसी राज्य में जमा करना अनिवार्य है जहाँ से उम्मीदवार परीक्षा देना चाहता है। मैंने आपको ये बात बताई है, जैसे कि मैं दिल्ली के संबंध में बता रही, तो दिल्ली में आप फॉर्म भरेंगे, आप जहाँ के मूल निवासी हैं आप वहाँ के फॉर्म भरें ताकि आपको वहीं पे आपका परीक्षा केंद्र हो। और यहाँ पे क्योंकि सैन्य कर्मियों के बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, पैरा सैन्य कर्मियों, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के बारे में, हालांकि इस तरह के उम्मीदवारों को पूर्व वृत्त का सत्यापन करने के लिए ऐसे विभागों को अपने कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया सेवा प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाणित किया जाए कि वे वर्तमान रूप में दिल्ली में कार्यरत है, आवेदन पत्र के साथ संकलन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए www.rimc.gov.in पर 31 जुलाई की अधिसूचना, यानी वहाँ पर 31 जुलाई की एक नोटिफिकेशन है, उसे देखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मुझे लगा, आप सभी को ज़रूर बताऊँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, कॉलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैसे विद्यालय है एक तरह से, तो वहाँ अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास बहुत अच्छा। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, डिटेल्स वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है बार बार, www.rimc.gov.in, देखिए ये वेबसाइट है, www.rimc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे मन चाहे स्कूलों में पढ़ें, वहाँ से पढ़ाई कर कर आगे पढ़ें और आपका नाम भी ऊँचा करें, और कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगे कि सबके शिक्षा के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई थी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।